दोस्तों एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। और जो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डिजिटेक के गो कैम से रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 60 FPS पे, और एकदम लो लाइट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे शाम हो चुकी है। तो आप लो लाइट में इसकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी का आपको इसको पता चल जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे इसके और रिव्यूज़ हम लेके आएंगे जिससे कि आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी लो बजट में आपको डिजिटेक का कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया था लेकिन लोगों ने प्रॉपर सॉल्यूशन दे नहीं रखे थे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वारी होगी उसके अकॉर्डिंग सारी वीडियोस बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऑनलाइन अभी नए की जो प्राइस है वो 7,500 रुपये फ्लिपकार्ट पे थी, लेकिन जो मैंने ये लिया ये OLX से परचेज़ किया। OLX से मुझे परचेज़ करने में ये फ़ायदा हो गया कि मुझे 4,500 रुपये में मिल गया था। अब मैं यहाँ पे आपको लो लाइट की इसकी वीडियो की वो क्वालिटी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे ब्लूटूथ सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर ब्लूटूथ आपके पास हुआ है, माइक है ब्लूटूथ माइक, तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ब्लूटूथ माइक जो कि डिजिटेक का ही था उसको कनेक्ट करके देख लिया। यहाँ पर बहुत ही बुरी आवाज़ आती है, और कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बात करें इसके जो वाटरप्रूफ केस होता है, जितना मैंने अभी तक चेक किया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो वाटरप्रूफ केस है वो भी क्या कहते हैं, उसमें भी आपको विदाउट माइक आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। उसमें सिर्फ आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा उसमें आपको। तो आप यहाँ पर इसकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लो लाइट है क्योंकि शाम हो चुकी है, तो अब उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्वालिटी दिख रही होगी। अब तो दोस्तों आपको अब इसकी वीडियो क्वालिटी का तो पता चल गया, ऑडियो क्वालिटी का भी पता चल गया होगा विदाउट माइक इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अब मैं घर पे जाके आपको इसकी माइक के साथ भी ऑडियो क्वालिटी बता दूंगा और लाइट में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अभी लो लाइट में हम कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करेंगे, उससे हमें और इसकी कैमरा क्वालिटी का भी पता चल जाएगा, और फिर आप कमेंट करके बताने कि इसकी फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी कैसी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। बहुत जल्द हम इसको लेके अभी एक ट्रिप पे भी जाने वाले हैं। हम सोच रहे हैं अभी कब जाएंगे, क्योंकि गर्मी अभी इतनी ज़्यादा हो रही है तो अभी हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। अभी इस टाइम भी 7:30 बज रहे हैं, तब भी इतनी गर्म हवा चल रही है, तो सोचो आप अगर हम बाहर निकलेंगे तो कितनी गर्म हवा लगेगी। इसलिए अभी हम कुछ दिन के बाद इस गो कैम को यूज़ करके देखेंगे कि कैसा है, क्योंकि अभी तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। और दोस्तों यहाँ पे जो इसमें एक प्रॉब्लम वो है कि आप ब्लूटूथ माइक इसके साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता उसका क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन ब्लूटूथ माइक आप डिजिटेक के गो कैम के साथ यूज़ नहीं कर सकते। मोस्टली मेरे को लगता है कि एक्शन कैमराज के साथ आप यूज़ कर ही नहीं सकते ब्लूटूथ माइक। अब क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे का क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने चेक करके देखा था, ऑडियो बिल्कुल नहीं आती, बहुत ही ज़्यादा ख़राब आती है जो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो अब आज के लिए इतना ही रिव्यू काफ़ी है, आगे और हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अभी मैं धीरे धीरे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अभी सही से एंगल भी नहीं बन पाएगा, हाथ का ही कैसे पकड़ना है।